से कर रहे हैं आप ये काम? बस साल डेढ़ ही हो गया। क्या आपके पास डिप्लोमा क्या है, कोई आप अपना दिखा दें, कोई भी सर्टिफिकेट हमारे साथ? ये हेल्थ डिपार्टमेंट के DHO साहब हैं, दूसरे अफसरान हैं, बताएं। सर मैंने DHMS किया हुआ है। किधर किया हुआ है? इधर चिनियाउट से ही। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मतलब एलोपैथिक की करते हैं। एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी। ये इंजेक्शन जो है ये इस्तेमाल शुदा है? जी इस्तेमाल शुदा है। खुद को डॉक्टर कहने वाला ये मौसूफ फरसा दराज से क्लिनिक चला रहा है और गुरबत को जवाब बनाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। न जाने कितने लोग अब तक इस शख्स की कम इल्मी और जहालत से बीमारियों का शिकार हो गए होंगे। इस जैसे नाम नेहाद डॉक्टर बीमारी के इलाज के लिए स्टीरॉयड्स मिली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ एक ही सिरिंज को बार बार इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे मरीज को वक्ती तौर पर तो अफाका हो जाता है लेकिन बाद में ये वक्ती अफाका संगीन बीमारी की सूरत में सामने आ खड़ा होता है। ये इंजेक्शन किस चीज़ के लगाते हो? ये हम नहीं लगाते, कोई भी मतलब आता है ना कोई पेशेंट, उसके मतलब जो है ना। सबसे बड़ी जो बीमारी की वजह है और सबसे बड़ी अंधेर नगरी जो आज हम बेनकाब करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं वो ये है कि लोगों को हेपेटाइटिस और एड्स जैसी मोहलिक बीमारियाँ भी हो जाती हैं इन अताई डॉक्टरों की वजह से। ऐसे लोग जो कि ना तो एक्सपर्ट होते हैं, अब ये इंजेक्शन जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, फौरी तौर पर इस्तेमाल के बाद इसको कट करके फेंक देना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर इन्हीं इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं आपके सामने। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, चिनियोट के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इस वक्त अंधेर नगरी टीम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद है जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर रहा है। यार इसको डिस्पोज कैसे करते हैं? वो कटर है उसके साथ। किया क्यों नहीं आप? सर गलती हो गई है उसका, वो गलती हो गई। गलती हो गई आपकी, गलती से हजारों लोगों की जानें वो खतरे में आ जाती हैं। एक शख्स को हेपेटाइटिस हो जाए वो पूरी खानदान को बीमार कर देता है। डॉक्टर हो आप? जी सर। कहाँ से MBBS किया हुआ या कहाँ से कुछ किया हुआ? सर DHMS किया हुआ है। DHMS डॉक्टर तो नहीं कहलाता मेरे प्यारे भाई? नहीं कहलाता। तो लिखा क्यों हुआ डॉक्टर? सर वो जो है ना हम बहुत गरीब आदमी है ना, इसलिए माजूर। गरीब आदमी हो तो गरीबों की जान तो ना लो, गरीब हो तो गरीबों का एहसास तो करो। ये देखे जी डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब कार्ड्स तक छपे हुए हैं। ये डॉक्टर किसने कहा था आप लिखो? सर वो DHMS जो है ना वो मतलब सर ये बताइएगा। DHMS डॉक्टर नहीं होता, वो उसे होमियो फिजिशियन लिखना होता है। होमियो फिजिशियन डॉक्टर अलाउड नहीं है बिल्कुल DHMS को लिखना। ये शख्स ने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है सर, गलत लिखा हुआ है, ये फेक है। गलती हो गई है, माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिस शख्स को आप जैसे इन अताई डॉक्टरों की वजह से एड्स और हेपेटाइटिस हो गई है, क्या आपकी गलती की माफी मांगने से वो ठीक हो जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं होता। डॉक्टर तुम हो नहीं, डॉक्टर तुमने लिखा हुआ है इन इंजेक्शन को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उनको तुम ऐसे चलाई जा रहे हो और लोगों में बीमारियां फैलाई जा रहे हो। गलती कह देने से आप ये समझ रहे हो कि आप के तमाम जो मामला थे वो ठीक हो जाएंगे? नहीं सर।